हमारी वेबसाइट www.einsteinclasses.com पे जाइए, वहाँ पे आपको 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस के लिए आपको काफ़ी अच्छा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ये सब प्रोवाइड किया गया है आपको। साथ में अगर आप जैसे जेई मेन की या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई मेन और जेई एडवांस के पैटर्न पे जो एनटीए कंडक्ट करती है, उसी पैटर्न पे आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड है। आप ज़रूर से जाइए, दिस इज़ ऑल बेसिकली बेनिफिट टू गिव अ बेनिफिट टू यू। इस पर कोई चार्जेस नहीं है, आप वेबसाइट पर उसके विजिट करिए, आपको टेस्ट मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जनरली पेपर पहले ऑफलाइन रहते हैं या आप स्कूल में भी ऑफलाइन देते हैं, पर आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको देने होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं। तो आप उस पर वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको 11th और 12th के लिए, जैसे अगर आप मान लीजिए आप जेई मेन की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप क्लास 12th की, आप CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है, वहीं पर वीडियो लेक्चर्स के भी लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप आसानी से अपना चैप्टर बाय चैप्टर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन कैसे होना है, या तो गूगल अकाउंट से या फेसबुक के अकाउंट से, आप वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी बनी होगी, अब उससे आप वहाँ पे अपना सबसे पहले अकाउंट ओपन करिए, साइन अप हो जाइए। तो फिर उसके बाद आपके आगे एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिससे कि वो आपका पर्सनलाइज डैशबोर्ड है, जो आपको आपकी डेली की प्रैक्टिस या जो भी है प्रोग्रेस भी आपको बताएगा। आप स्कूल में भी का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में चले जाइए, वहाँ पे आपको जेई मेन का, नीट की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनके आपको साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो ये सारे एफर्ट्स जो हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड किए गए हैं, एंड इट्स अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर यू। तो आप इस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए, और साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर का मेन पर्पस है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एन्थैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, वो along the period or down the group in modern periodic table how it varies। अगर ये properties हमें अच्छे से समझ आ जाती हैं, तो उससे हमारा आगे के topics जैसे chemical bonding वगैरह जो chapters हैं, या inorganic है, उसको study करना बहुत easy हो जाता है। तो classification of elements जो है, ये बहुत important topic है, बहुत important base है इसके लिए, bonding के लिए और inorganic के लिए। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से prepare कीजिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई दी एलिमेंट्स। अब आप देखिए, देर आर मोर देन 116 एलिमेंट्स जो हैं ऑलरेडी नोन है, देर आर मोर देन 116 एलिमेंट्स आर नोन। अब हर एलिमेंट के अपने कंपाउंड्स भी हैं, अब इन सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में साइंटिस्ट ने करा क्या, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, मतलब उनको उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी, जिससे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बेसिकली क्या हो गया, इजी हो गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स। टू ईज आउट, साइंटिस्ट सर्च आउट अ सिंपल मेथड बाय क्लासिफाइंग दीज एलिमेंट्स। क्लासिफाई मतलब जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, उनको क्या करा गया, ग्रुपिंग करी गई। नॉट ओनली इट रैशनलाइज द नोन केमिकल फैक्ट्स पर अबाउट एलिमेंट्स, बट इवन प्रिडिक्ट्स दी न्यू वन। जैसे सबसे पहले ये काम करने वाला मेंडलीव्स था, मेंडलीव्स ने एक टेबल की फॉर्म में, सक्सेसफुल कह सकते हैं, वैसे तो और भी साइंटिस्ट थे, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा, जो एलिमेंट्स लाइक प्रॉपर्टीज़ के थे उनको ग्रुपिंग करी, और इनफैक्ट आपने पहले पढ़ा होगा 10th में, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन करके एलिमेंट्स के लिए गैप भी छोड़ा गया, कि उसमें ही हैज़ प्रिडिक्टेड के यहाँ पे एलिमेंट्स मिसिंग है, जो कि लेटर ऑन फाइंड आउट भी हो गए। तो इसी तरह से इस क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस था कि एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बेसिकली इजी हो जाए। तो ये बेसिकली पर्पस था टू क्लासिफाई दी एलिमेंट्स, दैट वॉज द नीड टू क्लासिफाई दी एलिमेंट्स।
अब हम बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क डिस्कस करेंगे. पीरियोडिक टेबल बनने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल से पहले, जैसे कि जॉन डॉबिनियर हैज अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री दैट इज नोन एज ट्रायड. तो उन्होंने क्या करा कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास अरेंज करा, जिसमें देखा गया कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो था वो मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स था. और उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसको लिया, दैट इज एटॉमिक मास को, कि अगर एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास लिया जाए तो दे विल शो द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ही हैज अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री नोन एज ट्राइड्स. तो देखो यहाँ पे ही अरेंज थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और ये थ्री एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया, ट्राइड्स का. देन ही नोटेड द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इन ईच केस ही नोटेड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. अब इसमें कई केसेस आए, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का केस हुआ. सोडियम का एटॉमिक मास देखो आप, इन दोनों का नियरली मीन बन रहा है. स्ट्रॉन्शियम का मास कैल्शियम और बेरियम का बन रहा है. ब्रोमीन का मास क्लोरीन एंड आयोडीन की मीन बन रहा है, यानी कि इन दो 7+39 डिवाइडेड बाय 2 हम इस तरह से मीन निकालेंगे सेंटर वाले एलिमेंट की. तो आपको समझ आ गया नियरली सेंटर वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था दैट वाज द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. और जो सेंटर वाले एलिमेंट और सेकंड पॉइंट कि जब उन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज करा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या दिखाई दिया, दैट इज सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो कि आज की डेट में हम जानते ही हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी भी दिखाई दी, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज नहीं कर पाए. तो द नेक्स्ट वॉज द जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड. न्यूलैंड हैज गिवन अस लॉ ऑफ ऑक्टेव. लॉ ऑफ ऑक्टेव इस तरह से बेस था कि अगर हम एलिमेंट्स को फिर से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द फर्स्ट एलिमेंट. मतलब ये बेस था जैसे म्यूजिकल नोट्स होता है, तो म्यूजिकल नोट में अगर आप देखोगे एट्थ म्यूजिकल नोट सेम होता है फर्स्ट में, जैसे सा रे गा मा पा धा नी फिर सा आ जाता है. तो एवरी एट्थ एलिमेंट इज हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द फर्स्ट एलिमेंट. तो अगर हम इस ध्यान को देखें, फिर से पढ़िए, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट. दिस लॉ वॉज ट्रू फॉर द लाइटर एलिमेंट्स मीन्स अप टू कैल्शियम, ठीक है. तो ये में हैवी एलिमेंट्स को हम अरेंज नहीं कर पाए. फिर उसके बाद मेंडलीव एंड लॉथर्मियर कलेक्टिवली इंडिपेंडेंटली वर्क करा था. दोनों साइंटिस्ट का बेसिकली वर्क यही था कि दे हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास. लॉथर्मियर के वर्क में ये था कि ही हैड प्लॉटेड द ग्राफ अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस द एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया था. पर पहले सक्सेसफुल फॉर्म में टेबल की फॉर्म में जो प्रेजेंट हमें करा, ज़्यादा ब्रॉडर आइडिया से जो प्रेजेंट करा था, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. एंड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. मींस अगर हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. तो उन्होंने इस तरह से अरेंज करा था जिससे कि कॉलम्स मतलब ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स आए एक रेगुलर इंटरवल के बाद, उनकी एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक कॉलम में रिपीट कर रहे थे, ठीक है. तो ही हैज़ गिवन अस द पीरियोडिक टेबल जिसमें कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया और हॉरिजॉन्टल रोज को बेसिकली क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया, ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट. अब हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. एक तो ये बात थी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक वेट, कि अगर हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट अरेंज करते हैं तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस.
अब मेन पॉइंट देखिए मैन्यू के प्रायोरिटी टेबल के, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक, और एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम ग्रुप और वर्टिकल कॉलम, ठीक है ये चीज़। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट बट प्लेस द एलिमेंट्स टुगेदर ऑफ सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, मतलब उसने अपना मेन एम्फोसिस इस बात को दिया मैंडीव का दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड बी ग्रुप टुगेदर, ऑल्दो द फंडामेंटली दैट इज के एलिमेंट शुड बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कुछ जगह पे ये चीज़ को इग्नोर करते हुए स्टिल ही प्लेस द टेलोरियम वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग विथ फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमीन, क्योंकि टेलोरियम की कुछ प्रॉपर्टीज जो थी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन से मैच करती थी, ठीक है। ही ऑल्सो प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स आर अनडिस्कवर्ड, उस टाइम तक दे वर अनडिस्कवर्ड, सो ही लेफ्ट द स्पेसेस फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे ही उस गैप छोड़ा गया था, एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा गया था, एका एल्यूमिनियम मीन्स गैलियम, एका सिलिकॉन मीन्स जर्मेनियम। एक और पॉइंट था हाइड्रोजन की पोजिशन फिक्स नहीं थी, एक और पॉइंट ये भी था कि आइसोटोप्स की पोजिशन के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया था, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर सेम नहीं होता है। तो अगर हम मेंडेलीव्स के प्रायोरिटी टेबल की बात करें उसमें एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो आइसोटोप्स शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, उनको सेपरेट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, पर स्टिल मेंडेलीव्स प्रायोरिटी टेबल वॉज सक्सेसफुली पब्लिश इन 1905 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब आपको मेंडेलीव्स प्रायोरिटी टेबल के बारे में पता चल गया, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पता चल गए। अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल विच वॉज बेस्ड ऑन दी मोज़लेस प्रायोरिटी लॉ। बस मोज़लेस का प्रायोरिटी लॉ जो था वो मेंडेलीव्स के प्रायोरिटी लॉ में ये फंडामेंटली डिफरेंस था, दैट इज एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज जो हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर नॉट मास नंबर, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड ऑन दी मोज़लेस पीरियोडिक लॉ, हेनरी मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था इट वॉज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। अब ये हमें कैसे पता चला कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है मास नंबर नहीं है, ये बेसिकली पता चला बाय दी एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड दी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल्स एंड डिफरेंट मेटल सर्फेसिस एंड ऑब्टेन दी एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ दी एलिमेंट्स। समझ आ गई बात आपको कि ही बम्बार्डेड दी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सर्फेसिस एंड ऑब्टेन दी एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ दी एलिमेंट्स एंड फाइंड आउट दैट रूट न्यू वर्सेज जेड, मतलब रूट ऑफ फ्रिक्वेंसीज वर्सेज अटोमिक नंबर का जो ग्राफ है इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, वहीं पर रूट न्यू वर्सेज मास नंबर का जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, मतलब वो ग्राफ थोड़ा सा zigzag आया, मतलब ये लाइन है इसके ऊपर नीचे ऐसे आया, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं था। तो इस बेसिस पे मोज़ले ने ये कंक्लूड करा दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट द मास नंबर, ठीक है। आपको समझ आ गया कि पीरियोडिक जो नया पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली मोज़लेस के लॉ के ऊपर बेस्ड है और मोज़ले ने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ प्लॉट करा विच कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, तो यहीं पर ही कंक्लूडेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट दी मास नंबर। हम बीच में टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे थे जो कि बेस्ड है ऑन दी मोज़लेस पीरियोडिक लॉ, दैट इज एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक। अब बीच में एक टॉपिक है जो फिर हम दोबारा से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे, बीच में टॉपिक दिया हुआ है दैट इज नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। आयोपिक नेमिंग किस तरह से होती है, इसमें 0 से लेके 9 डिजिट तक हमने क्या करा, 0 से लेके 9 डिजिट तक नेम रख लिया और उनकी एब्रीवेशन कर ली, इनको मिला के हमने आयोपिक नेम एलिमेंट्स का बना लिया। जैसे कि देखिए 0 को हम नील बोलेंगे, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड,
5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 सेप्ट, हेप्ट नहीं बोलना, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, ई डबल एन, एन। अब इनके एब्रीवेशन, जो पहला अल्फाबेट है वो ही एब्रीवेशन में यूज होगा। जैसे नील के लिए एन यूज होगा, अन के लिए यू होगा, बाई के लिए बी यूज होगा, ट्राई का टी होगा, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, ये स्मॉल एच है, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, एन का ई, ये एब्रीवेशन इनके लिए यूज होगी। अब आगे देखो, अब नेमिंग कैसे करनी है। जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास 101 है, 101 है, तो हमने क्या लिखना है, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और फिर से 1 के लिए क्या लिखना है, अनियम। अन लिखा पर पीछे आई यू एम, ईएम लगा दो आप, अन नील अनियम। अब इसका सिंबल क्या है, जो जो ये इन तीनों के लिए नाम आपने इस्तेमाल करे हैं उसका पहला अल्फाबेट, और सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। जैसे अन का यू, नील का एन अब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, अन का फिर से यू आ गया, पर वो दोनों स्मॉल लेटर में आएंगे, ये इसका सिंबल हो गया। अब 102 जैसे हो गया अन नील बायम, तो यू एन बी, ठीक है। पर 110 में क्या खास बात है, इसमें ये है अन, अन नीलियम है, तो नीलियम में एन आई एल होता है, पर एन आई डबल एल लिखा हुआ है, एन आई डबल एल स्पेसिफाइड है, नीलियम। अब इसी तरह से 111111 में अन अन अनियम होना चाहिए, इसमें यू डबल एन है, ठीक है, और सिंबल में यू ट्रिपल यू लिखा हुआ है, अन अन अनियम, ठीक है। तो ये बीच में एक अलग से टॉपिक है जिनमें नेमिंग है एलिमेंट्स का, जो एटॉमिक नंबर हैविंग मोर देन 100, ठीक है, 100 से 118 तक, 19 तक ये यूज होता है। अब हम अगला पढ़ेंगे, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, या पीरियोडिसिटी होता क्या है। अब आप देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसे पीरियड्स कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं, और टोटल 7 पीरियड्स हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उसे ग्रुप्स बोला जाता है, एंड देर आर 18 ग्रुप्स इन ए पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी जो है वो उसका मतलब क्या है। पीरियोडिसिटी का मतलब है द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मतलब रेपिटेशन होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कॉज बेसिकली होता है बिकॉज एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो सेम आती है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आने की वजह से ही उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है रिपीट करती हैं। जैसे अगर हम ग्रुप वन एलिमेंट्स को देखें, ग्रुप वन एलिमेंट्स हो गए जैसे एस ब्लॉक, उन सभी की वैलेंस शेल में NS1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब हो जाएगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। अब उनके सभी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उनकी सभी की प्रॉपर्टी ये होती है, दे ऑल आर हैविंग वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनका मेटालिक करेक्टर होता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू अचीव दी नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हो गया पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ द सिमिलर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद देर इज अ रेपिटेशन ऑफ द सेम वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिमिलर वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपीयर करती है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स विद दी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो आपको समझ आ गया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एंड दी व्हाट इज पीरियोडिसिटी इज। अब हम आगे बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम कहते हैं पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स। अब पीरियड्स बेसिकली जो हैं
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, देर आर सेवन पीरियड्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 7 पीरियड्स हैं, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसमें से फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है और 6th और 7th पीरियड जो है लॉन्ग पीरियड्स के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड किस तरह से बनाए गए हैं। अब देखिए, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ न्यू शेल। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताता है, दैट इज़ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो हर जो नया पीरियड है वो नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होता है। एक पीरियड में आप एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, लेकिन उससे हायर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आपको नेक्स्ट पीरियड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन पढ़ी थी, 1s 2s 2p, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। मैंने 6th पीरियड तक लिखा है, वैसे आगे 7th में भी लिखा जा सकता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, के बीच में 3d आ जाता है, 5s 5p, के बीच में 4d, 6s और 6p, के बीच में 4f एंड 5d। हर पीरियड अगर हम 1s को छोड़ दें तो जब वो 2p कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, उस पर ख़त्म हो जाता है, मतलब नोबल गैसेस पे ख़त्म होता है एवरी पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। हर पीरियड जो है उसमें एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पीरियड देखें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। क्यों? जब आप एटॉमिक नंबर 1 लेते हो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो जाती है, दैट इज़ 1s1। जैसे आपने H लिया तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ तो 1s1 लिखा, फिर हमने हीलियम लिया एटॉमिक नंबर 2 तो 1s2, ठीक। अब मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जैसे लिथियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो अब इसमें 1s2 2s1, ये अगला शेल नंबर आ गया। तो एक पीरियड में सेम शेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पर उससे नए शेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं, हायर शेल में, तो आपको अगले पीरियड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम पे ख़त्म हो गया, ठीक है ये चीज़। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो गए? 2, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन 1s में भरने हैं और s में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम पे ख़त्म हो गया। फिर हमारा शुरू हुआ सेकेंड पीरियड। हर नया पीरियड बेसिकली जो है वो एल्कली मेटल से शुरू होगा, दैट इज़ लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, एल्कली मेटल से शुरू होगा। जैसे अगर पहला पीरियड 2 एटॉमिक नंबर 2 पे ख़त्म हुआ है तो सेकंड पीरियड शुरू होगा लीथियम से एटॉमिक नंबर 3, फोर्थ पीरियड शुरू होगा सोडियम से एटॉमिक नंबर 11। अब सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2s और 2p में। जब तक ये पूरा 2s से लेके 2p फिल नहीं हो जाता तब तक ये सेकंड पीरियड चलता रहेगा। जैसे कि हमारे पास हो गया लिथियम, लिथियम में 2s1 हो गया, लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम में क्या होगा? 1s2 2s2, हो गया ये। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? बोरोन आएगा, बोरोन में 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। तो P6 जब तक नहीं होता तब तक ये हमारा पीरियड चलता रहेगा और वो जाके कहाँ पे ख़त्म होगा? नियॉन पे, एटॉमिक नंबर 10 पे। तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होंगे? 2s से लेके 2p तक, दैट इज़ अब s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में 6, तो इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए सेकेंड पीरियड में? 8 एलिमेंट। इसी तरह से थर्ड पीरियड, अब देखो यहाँ पे थर्ड पीरियड किससे शुरू होगा? थर्ड पीरियड हमारा शुरू होता है, दैट इज़ सोडियम से। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो हमारे पास अगर मैं इसे नोबल गैस की टर्म में लिखूं तो नियॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s1 ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सोडियम के बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12। तो ये क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2। एक ही पीरियड में ये चलते जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद मैग्नीशियम के बाद 13, दैट इज एल्यूमिनियम आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। तो नियॉन 3s2 3p1। अब जब तक 3p6 नहीं हो जाता थर्ड पीरियड चलता रहेगा, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गए 3s 3p। अब आपके दिमाग में आता है कि थर्ड शेल में तो 3d भी है,
पर 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जा सकता जब तक कि आप पहले 4s फिल नहीं करते, और 4s हो गया हायर शेल। एक पीरियड में आप सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो पर हायर शेल में फिल नहीं कर सकते हो। तो थर्ड पीरियड आपका यहीं पे खत्म हो गया, यहाँ पे 3p पे। तो इसका मतलब थर्ड पीरियड में भी क्या हो गया, 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक, अब फोर्थ पीरियड शुरू हुआ। फोर्थ पीरियड शुरू हुआ 4s से। ठीक है, अब 4s से लेके 4p तक, पर बीच में कौन आ जाएगा, 3d। मतलब लोअर शेल में फिल हो सकते हैं पर हायर में नहीं हो सकते। तो 4s में 2 एलिमेंट्स आ गए। अब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, और p में 6 हमें पहले से ही पता है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 18। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आने की वजह यह है कि फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दी 4s, 3d, 4p। इसी तरह से फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आने की वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 5s, 4d, 5p। समझ आ गई बात। अब सिक्स्थ पीरियड आता है जिसे हम लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। तो सिक्स्थ पीरियड शुरू हुआ 6s से और खत्म किस पे होगा, 6p पे। पर 6s और 6p के बीच में ऑर्बिटल्स कौन से आ जाते हैं, 4f, 5d। और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब 14 एलिमेंट्स। और D में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 एलिमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली टोटल अगर हम देखेंगे तो 32 एलिमेंट्स आएंगे। 4F, ऑल्दो इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग दी गई है, पर इनको काउंट जो है वो 6th पीरियड में ही किया जाता है। इसी तरह से 7th पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 7s से लेके 7p तक। बीच में आ जाएगा 5F एंड 6D, तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स हो गए। अगेन 5F की पोजीशन नीचे दी गई है पीरियोडिक टेबल में, पर काउंट एलिमेंट्स 7th पीरियड में ही होते हैं। ये बेसिकली टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। तो आपको ये समझ आ गया किस तरह से करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर से हमारी वेबसाइट पे जाइए, www.einsteinclasses.com पे जाइए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।